कई बार आपने देखा होगा हमारी जो वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर होती है जो ढक 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 आवाज़ करती है, जो पूरी तरह से चल नहीं पाती है, उसके क्या क्या कारण होते हैं वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इसके अंदर अपने कपड़े जो है सही से लोड नहीं किए होंगे। दूसरा, इसकी मोटर का जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो सकता है। तीसरा, इसकी मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है जिससे स्पीड नहीं बन पाती है। चौथा कारण, इसके अंदर एक बफर लगता है सील, जिसके ख़राब होने से भी जो है इस तरह की कंडीशन आती। और पांचवा कारण हो सकता है कि इसके अंदर ड्रम के अंदर कोई नीचे की तरफ कोई कपड़ा फंसा हुआ होगा जिससे आपकी मशीन नहीं चलती है।